हेलो, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसको हम हिंदी में संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक चिकित्सा पद्धति के नाम से जानते हैं, क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इससे पहले का जो चिकित्सा पद्धति आपने देखा, इससे पहले की जो चिकित्सा पद्धति थी, थेरेपी थी, यानी बिहेवियरल थेरेपी। बिहेवियरल थेरेपी में आपने देखा कि एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे बहुत ही ज्यादा फोकस किया गया, और ये कहा गया कि हमारे अंदर जो कोई भी व्यवहार उत्पन्न होता है, चाहे वो बिहेवियर एडाप्टिव बिहेवियर हो या मल एडाप्टिव बिहेवियर हो, उसके पीछे हमारा एनवायरमेंट जिम्मेदार होता है। हम एक ही जैसे एनवायरमेंट में एडाप्टिव बिहेवियर भी लर्न कर सकते हैं, उसी एनवायरमेंट में रह करके हम मल एडाप्टिव बिहेवियर भी लर्न करते हैं। उसमें ये बताया गया कि जब कोई भी बिहेवियर हम करते हैं और उस बिहेवियर के करने पर हमें रीइन्फोर्समेंट मिलता है, तो उस बिहेवियर के करने की जो रिपीटेशन होती है, आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो बढ़ जाती है। यानी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड ऑब्जर्वेबल रीइन्फोर्समेंट के बीच में एसोसिएशन स्थापित करके, एसोसिएशन बिल्ड करके किसी भी पर्सन के अंदर एडाप्टिव बिहेवियर को डेवलप किया जा सकता है। ठीक इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्सन के अंदर जो बैड हैबिट्स हैं, जो नेगेटिव बिहेवियर डेवलप हो गए हैं या मल एडाप्टिव बिहेवियर डेवलप हो गए हैं, उनको रिमूव किया जाए, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, वहां पे नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट के थ्रू या पनिशमेंट के थ्रू आप उस पर्सन के अंदर उन आदतों को दूर कर सकते हैं। ये कहा गया बिहेवियरल थेरेपी में। लेकिन क्या आपने एक बात गौर किया कि जब हम बिहेवियरल थेरेपी को डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे ये बात तो कही गई कि हम सेम एनवायरमेंट, सेम एटमॉस्फेयर जिम्मेदार होता है एडाप्टिव बिहेवियर के लिए और मल एडाप्टिव बिहेवियर के लिए। लेकिन ये बात तो नहीं कही गई ना कि इंसान यानी जो पर्सन हो है, जो व्यक्त है, वो अपने आप में एक वजूद रखता है, एक उसकी अपनी एक पहचान होती है। और जब उसकी अपने मतलब आप कह सकते हो एक इंडिविजुअल है, एक इंसान है, एक जीता जागता वजूद है, तो फिर उसकी अपनी एक सोच भी होगी, उसका एक कोई थॉट पैटर्न भी होगा, है ना। वहां पे बिल्कुल भी नहीं कह रहे जो जो पर्सन है, जो क्लाइंट है, उसके इंटरनल फैक्टर्स को बिल्कुल अवॉइड कर दिया गया, नेग्लेक्ट कर दिया गया, उस पर जरा सी भी तवज्जो नहीं दी गई। तो आप देखेंगे कि सीबीटी में यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में इसी बात पे फोकस किया गया कि व्यक्ति की अपने थॉट पैटर्न होता है। अगर कोई क्लाइंट काउंसलर के पास आ रहा है अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, तो एक काउंसलर को चाहिए कि उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते समय इस बात पे भी फोकस करें कि जो क्लाइंट है उसका थॉट पैटर्न क्या है, उसके परसेप्शन का तरीका क्या है, उसका वीक पॉइंट क्या है, उसका सेल्फ स्टेटमेंट क्या है, उसके इवैल्यूएशन करने का तरीका क्या है। यानी आप देखेंगे सीबीटी में कॉग्निटिव प्रोसेसेस पे बहुत ही ज्यादा बल दिया गया। सिर्फ ये नहीं कहा गया कि एनवायरमेंट ही जिम्मेदार होता है, बल्कि व्यक्ति की अपनी सोच, उसका अपना थॉट पैटर्न, परसेप्शन करने का तरीका भी जिम्मेदार होता है उसमें मल एडाप्टिव बिहेवियर डेवलप होने के लिए। जैसे कि आप जानते भी हैं कि सेम एनवायरमेंट होता है, सेम कंडीशन होती है, सेम माहौल होता है, लेकिन हर इंसान का रिएक्ट करने का तरीका अलग अलग होता है। तो रीजन ही है कि हर इंसान उस एनवायरमेंट में मौजूद जो स्टिमुलस है, चीजें हैं, इवेंट्स हो रही हैं, सबको अपने अपने तरीके से क्या कर रहा है, परसीव कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह की जो थेरेपी होती है सीपीटी में आप देखेंगे कि व्यक्ति की हेल्प इस तरह से की जाती है ताकि वो अपने डिस्ट्रक्टिव, अपने नेगेटिव जो थॉट पैटर्न्स हैं यानी कॉग्निशन है, उसकी पहचान कर सके और ये जान सके कि मेरी जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके पीछे मेरा ये जो इरेशनल थॉट पैटर्न है, जो अतार्किक चिंतन प्रतिमान है, वो जिम्मेदार है। तो इस तरह की थेरेपी में आप देखेंगे कि व्यक्ति के इरेशनल, इलॉजिकल
या कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रक्टिव या डिस्टर्बिंग थॉट पैटर्न्स है उसमें चेंज ला करके उसकी जगह पर एक नया थॉट पैटर्न से एक पॉजिटिव थॉट पैटर्न, एक ऑप्टिमिस्टिक थॉट पैटर्न, एक कंस्ट्रक्टिव थॉट पैटर्न को डेवलप करने की कोशिश की जाती है, ताकि व्यक्ति की जिंदगी में जो प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम से उसे बचाया जा सके, उस प्रॉब्लम को क्या किया जा सके, दूर किया जा सके। क्योंकि इसमें साथ ही साथ क्लाइंट को समझाने की भी कोशिश की जाती है कि आपकी जिंदगी में जो कोई भी प्रॉब्लम है उसमें कुछ कोई अदर फैक्टर नहीं जिम्मेदार है, कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर नहीं जिम्मेदार है, बल्कि आप अगर अपने सोच में, अपने थॉट पैटर्न्स में थोड़ा सा पॉजिटिव चेंज ला दें, इस डायरेक्शन में अपनी सोच को बदल लें, तो आपकी जिंदगी में ये जो प्रॉब्लम्स आपको दिख रही है ये प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि सीबीटी में जो चेंज किया जाता है वो कॉग्निशन में चेंज लाया जाता है। कॉग्निशन में चेंज लाना इतना आसान काम नहीं है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसके लिए कई काफी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू एक काउंसलर जो होता है फोकस करता है कि किस तरह से जो क्लाइंट आ रहा है, क्लाइंट के जो निगेटिव थॉट पैटर्न्स है, जो पेसिमिस्टिक थॉट पैटर्न है उसकी जगह पे ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच को अपनाया जाए, उसके अंदर पॉजिटिविटी डेवलप की जाए, ताकि उसकी जिंदगी में चलने वाली बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको दूर किया जा सके। और कोई ये काम एक या दो दिन का नहीं है, इसके लिए काफी लंबे सेशंस होते हैं काउंसलिंग के, और धीरे धीरे बहुत सारे टेक्निक्स के थ्रू चेंज लाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यही चीज है कि सीबीटी के थ्रू सबसे पहली चीज तो उस डिस्ट्रैक्टिव थॉट पैटर्न्स को पहचानने की कोशिश की जाती है, फिर उसे चैलेंज किया जाता है कि ये जो आपने अपनी एक सोच बना रखी है, एक निगेटिव थॉट पैटर्न्स बना रखा है, इसकी वजह से आपकी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और होंगी भी। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से जिए, एक नॉर्मल जिंदगी जिए, एक आपकी जिंदगी में हैप्पीनेस हो, तो इसके लिए आपको इसकी पर एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, एक पॉजिटिव थॉट पैटर्न्स को डेवलप करना होगा, एक रियलिस्टिक थॉट पैटर्न्स को डेवलप करना होगा, है ना, वास्तविक चिंतन प्रतिमान को डेवलप करना होगा, जिससे कि आपकी जिंदगी का प्रवाह सरल और सुगम बन सके। ये सारी बातें एक काउंसलर अपने क्लाइंट को समझाने की कोशिश करेगा। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, एक संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा है, वो एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें जो मेंटल डिसऑर्डर्स होती हैं उसका उसके पीछे जो कारण माना जाता है, जो वजह बताई जाती है, वो कहा जाता है कि व्यक्ति अपनी सोच यानी उसका चिंतन या संज्ञान ही होता है। और इस तरह की टेक्निक में सीबीटी में डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स को अपना करके जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट या पेशेंट के कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, यानी आपका इसमें आप देखेंगे कि सीबीटी में पहली चीज ये मानता है, ये सीबीटी ये मानती है कि किसी भी पर्सन की जिंदगी में जो कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, व्यक्ति के अंदर जो प्रॉब्लम पैदा हुई है उसके पीछे उसका कॉग्निशन, उसका क्या चिंतन या थॉट पैटर्न जिम्मेदार है, और अगर उसका थॉट पैटर्न या उसका कॉग्निशन जिम्मेदार है तो उस क्या कहेंगे आप अनरियलिस्टिक उस निगेटिव थॉट पैटर्न्स की जगह पर एक नया थॉट पैटर्न जो कि पॉजिटिव हो, जो कि कंस्ट्रक्टिव हो, उसको डेवलप करके व्यक्ति की जिंदगी में उत्पन्न हो रही प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है। और इस पुराने कॉग्निटिव प्रोसेस की जगह पर न्यू कॉग्निटिव प्रोसेस को डेवलप करना, या पुराने ओल्ड कॉग्निशन की जगह पर नए कॉग्निशन को डेवलप करने की इस प्रोसेस को
कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस यानी संज्ञानात्मक पुनर्संरचना की प्रक्रिया। संज्ञानात्मक पुनर्संरचना की प्रक्रिया वो प्रक्रिया है जिसमें काउंसलर अपने क्लाइंट या एक क्लिनिकल नैदानिक मनोवैज्ञानिक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपने पेशेंट की प्रॉब्लम को या उसके रोग को दूर करने के लिए उसके पुराने यानी जो उसके अनरियलिस्टिक अतार्किक या अवास्तविक चिंतन प्रतिमान है उसकी जगह पर एक तार्किक और वास्तविक चिंतन प्रतिमान को डेवलप करने की कोशिश करता है ताकि व्यक्ति की जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स उत्पन्न हुई हैं उसको दूर किया जा सके और व्यक्ति की जिंदगी को सुखी और समृद्ध बनाया जा सके। ठीक है, इस लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसमें सबसे पहली चीज ये है कि जिसमें जो पेशेंट होता है, जो क्लाइंट होता है, उसके बिलीफ सिस्टम, उसकी स्कीमा, उसके सेल्फ स्टेटमेंट, उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में मलएडाप्टिव बिहेवियर उत्पन्न हो रहे हैं, उसके पुराने बिलीफ सिस्टम, उसके कह सकते स्कीमास, उसके सेल्फ स्टेटमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक की जगह पर जो कि अभी तक क्या थे, डिस्ट्रक्टिव थे, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो रही थी, उसकी जगह पर एक पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम, एक कंस्ट्रक्टिव बिलीफ सिस्टम, सेल्फ स्टेटमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स एंड सेल्फ स्टेटमेंट को डेवलप करने की कोशिश किया जाता है ताकि व्यक्ति अपनी जिंदगी को बहुत ही पॉजिटिव वे में जी सके।